हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी विल डू टाइप्स इस वीडियो में हम वो डेटा टाइप्स यूज करेंगे जो हम एस्वल टेबल बनाने में यूज करते हैं जिसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है ओके सो द फर्स्ट डेटा टाइप इज इंटीजर ओके दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस इंट इसको इंट भी कहा जाता है इट स्टोर पॉजिटिव होल नंबर्स अप टू इलेवन डिजिट्स एंड नेगेटिव होल नंबर्स अप कैंडिडेट ओके okay? तो जब आप इंटीजर डेटा टाइप का यूज करोगे तो इंटीजर डेटा टाइप में आप क्या स्टोर कर सकते हो आप पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स स्टोर कर सकते हो होल नंबर्स कौन से होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफानेट ओके तो आप कितने भी नंबर्स मतलब जो इंटीज़र के अगर आपको नंबर्स का यूज़ करना है ओके टेबल क्रिएशन में किसी कॉलम में आपको नंबर्स का यूज़ करना है तो आप वहाँ पे इंटीज़र डेटा टाइप का यूज़ करोगे ठीक है और ये क्या स्टोर करता है ये पॉजिटिव होल नंबर्स होल नंबर्स कौन से होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं टिल इन्फाइन ओके और इसकी क्या लिमिट है टेन सॉरी एलेवन डिजिट्स की आप नंबर्स ले सकते हो इसके अंदर पॉजिटिव अगर आप होल नंबर्स ले रहे हो तो इलेवन डिजिट और नेगेटिव ले रहे हो तो आप टेन डिजिट तक के नंबर्स को स्टोर कर सकते हो ओके द रेंज ऑफ इंटीजर इज फ्रॉम नेगेटिव टू वन फोर सेवन फोर एट थ्री सिक्स फोर एट टू पॉजिटिव टू वन फोर सेवन फोर एट थ्री सिक्स फोर सेवन ओके सो सिंपल इंटीजर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द नंबर्स होल नंबर्स ओके एंड दीज नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव राइट ओके नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप इज फ्लोट डेटा टाइप ओके अब फ्लोट का आपने कैसे दिया है फ्लोट ब्रैकेट में दिया एक्स वाई देन फ्लोट अब एक्स वाई का क्या मीनिंग है एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साइज के टोटल साइज कितना है जो भी आप वैल्यू ले रहे हो उसका साइज कितना है एंड वाई क्या है ओके कि डेसिमल की बात कितने वैल्यूज मतलब कितने डिजिट्स वो कैरी करेगा राइट ओके फ्लोट डेटा टाइप कहाँ पे यूज होता है फ्लोट डेटा टाइप हम यूज करते हैं जब हमें ऐसे नंबर स्टोर करने हैं जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू है डेसिमल वैल्यू कौन सी होती है फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है ओके okay? अब इंटीजर के अंदर आप फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो इंटीजर के अंदर आप डॉट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हो राइट right? इसके लिए हमारे पास अलग डेटा टाइप है डेट इज फ्लोट राइट ओके, नंबर्स आर स्टोर्ड इन द डेसिमल फॉर्मेट ओके कैसे स्टोर कर सकते हो इसके अंदर डेसिमल फॉर्मेट वाले number. Decimal format वाले कौन से numbers होते हैं जिसके अंदर जैसे टू सेवन हो गया का हो गया, या फिर आप ले लो टू फाइव पॉइंट टू सेवन ओके पॉइंट हमने इसमें लगाया ना तो ये क्या हो गया डेसिमल फॉर्मेट का नंबर ठीक है ओके द नंबर्स स्टोर्ड इन द डेसिमल फॉर्मेट वेयर एक्स इज द साइज दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट And Y is the precision that is it is the number of places to the right of the decimal point. अब ये क्या कह raha hai ये कह रहा है कि अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं Float साइज साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपके नंबर में कितने डिजिट है ओके और जो वाई वाई जो ये वाला पार्ट होता है ठीक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ठीक है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आपने नंबर के अंदर लगाए हैं कितने डिजिट्स नंबर के अंदर प्रेजेंट है इट इज द नंबर ऑफ प्लेसेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट ओके मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ओके okay? जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं फ्लोट एट ओके कोमा टू तो एट क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर्स ठीक है अब इसके अंदर एट डिजिट है ये हमारा नंबर है और इस नंबर के अंदर एट डिजिट है वन वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है उसके बाद सिक्स सॉरी सिक्स एंड सेवन

और डेसिमल के बाद डिजिट uh, है आपके टू तो यहाँ पे देखो सिक्स और सेवन ये हमने हमारे टू डिजिट है और टोटल कितने हैं टोटल है हमारे इंक्लूडिंग डेसिमल डेसिमल पॉइंट पॉइंट को भी अ डिजिट इंक्लूड किया जाता है अंडरस्टूड तो uh, यहाँ पे क्या हो गया ठीक है इसके अंदर कितने कंप्लीट डिजिट कितने हैं एट और किसको मिला के डेसीमल पॉइंट को मिला के ठीक है और आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे पास प्रिसाइशन uh, क्या है टू प्रिसाइशन मतलब टू डिजिट है फाइन डेसिमल प्रिसाइशन कैन गो अप टू ट्वेंटी फोर प्लेसेस फॉर अ फ्लोट अब ये क्या कह रहा है कि डेसिमल के बाद आप ट्वेंटी फोर डिजिट भी दे सकते हो ठीक है जब आप फ्लोट डेटा टाइप को यूज कर रहे हो अंडरस्टूड जब आपको सिंपल इंटीजर डिजिट नंबर्स सिंपल नंबर स्टोर करने हैं जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आप इंटीजर डेटा टाइप का यूज करोगे जब आपको डेसिमल नंबर्स और और यू कैन से फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करने हैं तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करोगे ओके okay? नेक्स्ट वी हैव कैर डेटा टाइप ओके तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट है कैर एक्स और कैर साइज ठीक है आप इसको डिफाइन कैसे करते हो कैर और यहाँ पे आप साइज साइज क्या है नंबर ऑफ करेक्टर्स ओके इन अ पर्टिकुलर कॉलम नेम जैसे आपने जब हम इसको टेबल क्रिएट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं जैसे हमने टेबल हमने लिया है मान लो एक हमने कॉलम लिया है सॉरी यहाँ पे कैर एक कॉलम हमने लिया है कैर नेम नेम लिया है नेम ओके एंड यहाँ पे आपने दे दिया ट्वेंटी कैर नेम ट्वेंटी ये मैंने कैर uh, कॉलम को डिफाइन किया है कैर नेम ट्वेंटी ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका इट्स नॉट विजिबल क्लियरली बट आई एम टेलिंग यू दिस इज कैर नेम ट्वेंटी ओके तो ये हमने ऐसे किया है तो यहाँ पे जो ट्वेंटी है ट्वेंटी क्या है साइज है मतलब नेम कॉलम के अंदर जब आप नेम एंटर करोगे तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है ट्वेंटी करेक्टर्स है मतलब एक नेम के अंदर ट्वेंटी से ज़्यादा करेक्टर्स आप यूज नहीं करोगे ट्वेंटी इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नेम फाइन अब आप देखते हैं व्हाट इज कै डेटा टाइप कै डेटा टाइप प्रोवाइड्स फिक्स्ड लेंथ मेमोरी स्टोरेज अब ये क्या कह रहा है कै डेटा टाइप कैसा डेटा टाइप है जो हमें एक फिक्स्ड लेंथ का मेमोरी स्टोरेज दे देता है मतलब अगर आपने यहाँ पे कैर नेम ट्वेंटी लिखा है तो आपको ट्वेंटी ब्लॉक्स मिल गए मेमोरी के ओके और वो चेंज नहीं होंगे यू हैव गॉट ट्वेंटी ब्लॉक्स ऑफ द मेमोरी राइट इट स्पेसिफाइज अ फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग ओके अब इसका ये फिक्स है कैर नेम ट्वेंटी मीन्स इट इज फिक्स नेम चाहे आप जैसे मैंने इसमें नेम एंटर कराया अमित ए एम आई टी अमित ठीक है तो अमित के अंदर क्या है फोर करेक्टर्स है राइट right? अमित के अंदर हमारे पास क्या है फोर करेक्टर्स है लेकिन मैं care name, 20, declare कर चुकी हूँ तो उसके अंदर अमित आ जाएगा और बाकी के बचे हुए सिक्सटीन ब्लॉग्स है उनको रिलीज नहीं करेगा राइट right? उनको एज इट इज अपने पास ही स्टोर करके रखेगा आर यू गेटिंग इसलिए कैर को क्या बोलते हैं फिस्ट लेन करेक्टर्स टे ओके दैर डेटा टाइप कैन स्टोर अ मैक्सिमम ऑफ टू फिफ्टी फाइव करेक्टर्स कै डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हो तो आप जो मैक्सिमम लिमिट है करेक्टर स्टोर करने की वो क्या है टू फिफ्टी फाइव करेक्टर्स आप एक पर्टिकुलर वैल्यू में स्टोर कर सकते हो राइट इफ द वैल्यू एंटर्ड इज शॉर्टर देन इट्स लेंथ एक्स देन ब्लैंक्स आर एडेड ओके okay, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने डिक्लेयर कर दिया कैर नेम ट्वेंटी जस्ट एन एग्जांपल आपने कैर नेम ट्वेंटी कर दिया तो और आपके नेम में से फोर करेक्टर्स थे फोर स्टोर हो जाएंगे उसके बाद जो सिक्सटीन ब्लॉक्स हैं जो ब्लैंक्स हैं वो भी इसके अंदर ही ऐड होके रहेंगे वो रिलीज नहीं होते हैं फाइन वी शुड यूज कैर डेटा टाइप इन अ कॉलम वाइल यूजिंग फिक्स लेंथ डेटा इन द कॉलम लाइक फोन नंबर एरिया कोड एसेट्रा इसलिए क्या कहते हैं कैर डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो तो तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको पता हो कि इसकी लेंथ क्या है जैसे फ़ोन नंबर हमें पता है कितने नंबर्स का फोन कितने करेक्टर uh, मतलब कितने उसके अंदर करेक्टर्स आएंगे तो फ़ोन नंबर हो गया एरिया का कोड आपको पता है कि फोर uh, इसके अंदर फोर करेक्टर्स होंगे या फाइव करेक्टर्स होंगे तो uh, उसमें आप कैर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो राइट तो कैर डेटा टाइप क्या होते है? होता है फिक्स लेंथ मेमोरी स्टोरेज होता है ठीक है ओके okay, एक फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करता है राइट तो कैड डेटा टाइप आपको कहाँ यूज करना है वहाँ जहाँ पे आपको पहले से पता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में ए, ए, पर्टिकुलर वैल्यू में कितने करेक्टर्स आएंगे अदरवाइज क्या होगा इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी आपने कैड नेम ट्वेंटी लिख दिया उसके बाद आपने फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में आपने जो वैल्यूज डाली फोर जो फर्स्ट नेम था वो फोर करेक्टर्स का था सेकंड नेम था था आपका फाइव का था, तो क्या होगा बाकी की 15 जो है, वो, है, वो 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 मेमोरी क्या हो गए वो फिक्स हो गए वो कैर क्या करते रिलीज नहीं करेगा फाइन ओके नेक्स्ट वी है ये This data type also stores character value. Care के क्या है हम करेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं है, right? इसमें क्या है इसमें आप कोई भी वैल्यू जो इसको डिफाइन uh, करते हो वो क्या होते हैं वेरिएबल लेंथ अगर हम मैंने इसको कर दिया वेर कैर इसके आगे वेयर लगा देते हैं ठीक है बी ए आर बिकॉज दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल आई एम ट्राइंग टू राइट इट आपने लिखा वेर ओके नेम एन एम ई नेम ट्वेंटी लेटर्स यू हैव रिटर्न वेर केयर आपने डिक्लेयर किया है किसी भी कॉलम को 20 ठीक है तो अब अगर आपका नेम है अमित ए एम आई टी अमित क्या है फोर कैरेक्टर्स का नेम है ठीक है तो क्या होगा बाकी के सिक्सटीन जो उसके आप जो ब्लॉक्स है मेमोरी ब्लॉक्स है क्या करेगा केयर उसको रिलीज कर देगा सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय सम अदर फंक्शन सम अदर थिंग राइट तो केयर का क्या आ, क्या फायदा है इसको यूज करने से आपका मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है ठीक है ठीक so, no तो है जितनी इसके अंदर आप जितना एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर करेक्टर्स होंगे सिर्फ उतनी ही मेमरी यूज होगी बाकी की मेमरी क्या होती है रिलीज हो जाती है राइट कोई भी ब्लैंक इसके अंदर एड नहीं होता है राइट वेयर कैर विल टेक ऑनली द रिक्वायर्ड स्टोरेज फॉर द एक्चुअल नंबर ऑफ करेक्टर्स एंटर इन दैट कॉलम ओके तो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ जितना उसको मेमरी स्पेस चाहिए करेक्टर्स स्टोर करने के लिए सिर्फ उतना ही लेता है बाकी की मेमरी वो रिलीज कर देता है right? राइट Like so, जहा हमें पता नहीं है की जो कॉलम्स के अंदर वेल्यूज आएंगी उसमें बिकॉज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमरी तो हम वेरकेयर यूज करते हैं चाहे उसके अंदर कितने भी आए अगर ज्यादा करेक्टर्स है ठीक है तो वो उतना ऑक्यूपाई कर लेगी अगर लेस करेक्टर्स है तो बाकी की मेमरी क्या कर देगा वेरकेयर रिलीज कर देगा ओके okay? नेक्स्ट वी ओके इसका यूज कहाँ करते हैं जब हमें date को store करना है ठीक है? के अंदर में। तो अगर आपको डेट स्टोर करनी है तो किस फॉर्मेट में आएगी ईयर मंथ डे इट स्टोर ईयर मंथ एंड डेट वैल्यूज द डेट वैल्यूज टू बी एंटर्ड आर टू बी एनक्लोज इन करली ब्रैकेट्स और विद सिंगल कोटेशन मार्क्स ठीक है तो अगर आप डेट स्टोर कर रहे हो तो क्या उसकी कंडीशन uh, है कैसे करनी है या तो आप डेट को सिंगल कोटेशन मार्क में स्टोर एनक्लोज uh, करोगे या डबल कोटेशन मार्क में भी एनक्लोज कर सकते हो या फिर आप उसको करली ली ब्रैकेट्स में स्टोर करोगे ठीक है और फॉर्मेट क्या होगा फॉर्मेट होगा आपका ईयर जैसे यहाँ पर हमारा आ गया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके देन मंथ आ गया आपका जीरो टू एंड डे आपका आ गया टू सेवन ट्वेंटी सेवन ओके तो इस फॉर्मेट में आप इसको डेट को स्टोर करोगे राइट ओके नेक्स्ट वी टू ट्रू और फॉल्स इन बोथ अपर एंड लोअर केस ठीक है अगर आपको क्या करना है आपको येस yes, नो no स्टोर करना है या ट्रू फॉल्स स्टोर करना है तो वहां पर आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे आप बुल डेटा टाइप यूज करोगे राइट तो बुलिन डेटा टाइप में किस फॉर्म में आप वैल्यू स्टोर करोगे आ, आप इधर आप उसको करोगे ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स राइट ओके और आप येस एंड नो की फॉर्म में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो येस और नो भी आप कर सकते हो फाइन ओके तो अगर आपको सिंपली uh, इस टाइप का डेटा स्टोर करना है ट्रू फॉल्स लॉजिकल डेटा स्टोर करना है ट्रू फॉल्स और यस और नो तो आप बोलियन डेटा टाइप का कर यूज करोगे ओके नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर डेटा टाइप अब यहाँ पे मैंने कैर और वेर के डेटा टाइप का डिफरेंस क्यों लिया है क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आए चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आए ये जरूर आता है कि और वेर केयर डेटा टाइप में राइट तो कुछ तो डिफरेंस मैंने अभी आपको समझाई दिया था फिर भी हम इसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं फर्स्ट वी है अ फिक्स लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग ठीक है क्या कह रहा है कि कैर डेटा टाइप क्या करता है फिक्स लेंथ मेमोरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है मतलब मैंने अभी जो आपको एग्जांपल देके समझाया था अगर आपने लिखा कैर नेम ट्वेंटी तो ट्वेंटी ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी इसने ऑक्यूपाई कर लिए है फाइन और इसकी जो करेक्टर स्ट्रिंग है चाहे आप उसमें फोर करेक्टर्स uh, हो चाहे फाइव करेक्टर्स हो वो क्या होती है वो फिक्स्ड होती है राइट right? ओके okay, वो चेंजियबल नहीं है memory, वो 20 के 20 वो के करके रखेगा ओके okay? तो data type क्या होता है उसके अंदर इट प्रोवाइड्स मेमोरी स्टोरेज मतलब मेमरी uh, स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया था के नेम ट्वेंटी तो जितना uh, name के अंदर जितनी नेम वैल्यू के अंदर uh, करेक्टर्स का यूज होगा उतनी ही मेमोरी को वो क्या करेगा ऑक्यूपाई करेगा और जितनी मेमोरी बचेगी उसको रिलीज कर देगा राइट right? इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल इन करेक्टर राइट नेक्स्ट वी हैव द कैर डेटा टाइप कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ केय डेटा टाइप के अंदर हम टू फिफ्टी फाइव करेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं वेयर कैर डेटा टाइप के अंदर हम सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव करेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं ओके कैर डेटा टाइप इज यूज वेन द डेटा एंट्रीज इन कॉलम आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ सेम साइज कैर डेटा टाइप का यूज हम कब करते हैं जब हमें पता होता है कि जो हम एंट्रीज कर रहे हैं उनका एक फिक्स साइज है ओके okay. और जितनी वैल्यूज हमें स्टोर करेंगे सबका सेम साइज़ है फाइन कैर वेर कैर डेटा टाइप इज यूज वेन द डेटा एंट्रीज इन कॉलम आर एक्सपेक्टेड टू वेरी कंसिडरेबली इन साइज और वेयर केयर हम कहाँ यूज करते हैं जब हमें नहीं पता कि कॉलम के अंदर हम जो वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं उन वैल्यूज का साइज कितना है ठीक है और उस टाइम हम वेर केयर क्यों यूज करते हैं क्योंकि केयर जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है और केयर के, के केस में क्या होता है मेमोरी वेस्टेज होता है तो हम इसके अंदर वही वैल्यू स्टोर करते हैं जो हमें पता है मान लो मुझे पता है कि स्टूडेंट रोल नंबर है वो मैक्सिमम टू वैल्यूज या थ्री टू वैल्यूज तक

कॉलम के अंदर x से कम करेक्टर्स को यूज करो मैंने अभी आपको समझाया है ठीक है ये फिक्स कर देते है अगर आपने केयर नेम ट्वेंटी लिख दिया तो ये ट्वेंटी ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी फिक्स कर देगा उनको रिलीज नहीं करेगा चाहे आप उसके अंदर फिर चार करेक्टर की वैल्यू डालो चाहे पांच करेक्टर की वैल्यू डालो ओके वेयर केयर विल टेक ओनली द रिक्वायर्ड स्टोरेज फॉर द एक्चुअल नंबर ऑफ करेक्टर्स एंटर इन दैट कॉलम और वेर केयर क्या करता है सिर्फ उतना ही मेमरी लेता है स्टोरेज उतनी ही लेता है जितने की उसको जरूरत है जितने की उसके करेक्टर्स है फाइन रेस्ट ऑफ द मेमोरी वो क्या करता है रिलीज कर देता है ओके okay? इफ़ द वैल्यू एंटर्ड इज शॉर्टर दैन इट्स लेंथ एक्स दैन ब्लैंक्स आर एडिड वो मैंने अभी आपको बताया अगर शॉर्ट आपके नंबर ऑफ करेक्टर्स कम हैं तो, तो भी क्या करते हैं ब्लैंक्स एडिड ही रहते हैं ब्लैंक्स यहाँ पर क्या है मेमरी ब्लॉक्स हैं वो उसके अंदर एज इट इज़ रहेंगे ठीक है नो ब्लैंक्स आर एडिड इफ़ द लेंथ इज शॉर्टर देन द मैक्सिमम लेंथ एक्स ठीक है और वेर केयर में क्या है कोई भी ब्लैंक्स एड नहीं होता है ठीक है अगर आपकी लेंथ क्या है शॉर्टर है जितने भी ब्लॉक्स होते हैं मेमरी के

के केस में क्या है वन बाइट तो पर करेक्टर लेगा लेकिन टू बाइट्स क्या लेगा टू बाइट्स और मैमिलेगा वेरिएबल इंफॉर्मेशन को मतलब उसकी लेंथ वैल्यू की लेंथ की इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए ओके okay? We should, you, we should use we should use character type in the column while using fixed length data in the column like phone number, areas, code. Okay, jahan pe hame pata hai ki kitne characters आएंगे, वहाँ पर हम character type ka use karenge We should use varchar data type in a column while using variable length data in the column like name, address, designation. Okay, और varchar हम वहाँ use करेंगे, जहाँ पे हमें नहीं पता कि इस particular column में जो values हम use कर रहे हैं, उसमें कितने characters आएंगे. Fine. ओके, okay. ओके अब यहाँ पे example लिया, name care 10. Okay? अब अब पे लिया हमने एक name में value डाली अनु, हमारा name field है उसमें कितने आ, कितनी ऑक्यूपाई करेगा वो टेन बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा विद द फर्स्ट थ्री बाइट्स फॉर द वैल्यू एंड फॉर द ब्लैंक डेटा फाइन अब वो क्या कह रहा है हमने डिक्लेयर कर दिया नेम ओके फर्स्ट नेम डाला हमने अनु

थ्री तो करेक्टर्स के लिए अन्नों के लिए और टू उसकी वेरिएबल लेंथ की इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा ये टू रहेगी ठीक है फर्स्ट थ्री बाइट फॉर द वैल्यू ओके एंड द अदर टू बाइट फॉर द वेरिएबल लेंथ इंफॉर्मेशन फाइन समझ आया वेर केयर क्या है फाइव बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा और बाकी की जो फाइव बचेंगे उनको रिलीज कर देगा लेकिन केयर क्या करेगा जो टेन की टेन बाइट्स है उनको ऑक्यूपाई करके ही रखेगा फाइन अब यहाँ पे डिफरेंसेस तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए ठीक है ठीके? लेकिन आप इसको सिर्फ समझो और इसको अपने वर्ड्स में लिखो राइट और ये नहीं है कि सारे के सारे लिखने राइट यू कैन राइट फाइव आउट ऑफ देम यू कैन राइट थ्री आउट ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द क्वेश्चन की नंबर जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है ओके ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक टिल देन बी सेफ कीप स्टडिंग Okay, and subscribe my channel for useful videos.